कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स, और थर्मोडायनामिक्स में एक एक करके टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा जो प्रॉब्लम है वो रिलेटेड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें हम हीट, वर्क और डेल्टा ई के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप फर्स्ट लॉ अच्छे से जानते हैं, अच्छी बात है। प्रेडिक्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रेडिक्ट साइन ऑफ वर्क डन इन फॉलोइंग रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यानी हमें W का साइन बताना है। तो आप एक ही नोट रखेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट, और वो है W इज अपोजिट साइन ऑफ डेल्टा P, डेल्टा V। और डेल्टा V पॉजिटिव है तो W नेगेटिव। तो आप मुझे बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन में जब गैस लिक्विड में चेंज हो रही है तो वॉल्यूम बढ़ेगा कब? लिक्विड में, तो लिक्विड में चेंज हो रही है, कम होगा आइस वाले केस में। तो यहां डेल्टा वी क्या होगा? नेगेटिव। गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, सॉलिड गैस यानी आइस गैस में चेंज हो रहा है, डेल्टा वी अगेन पॉजिटिव। अगेन क्या पॉजिटिव रहेगा? क्योंकि गैस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में नहीं, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है, ये भी पॉजिटिव। एक्सेप्शन केस है, डेल्टा वी पॉजिटिव। कैल्शियम कार्बोनेट गैस बना रहा है, डेल्टा वी पॉजिटिव। तो बताइए पॉजिटिव होगा, W यहां क्या होगा? पॉजिटिव। W यहां पर क्या होगा? W यहां क्या होगा? नेगेटिव। W यहां क्या होगा? नेगेटिव। हाँ या ना? तो कहीं पे भी कोई टफ लगा आपको, लिखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास इस वक्त जो क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ इस तरह से है। अगला क्वेश्चन, लाइम इज मेड, क्वेश्चन नंबर सेकंड करें अपन। तो चलिए, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू। द गैस इज कूल्ड सच दैट इट लूजेस 65 जूल ऑफ हीट। ठीक है, द गैस कॉन्ट्रैक्ट एज इट कूल्स एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इक्वल टू 20 जूल इज एक्सचेंज्ड विद द सराउंडिंग, व्हाट आर द क्यू, डब्ल्यू एंड डेल्टा आई। द गैस कॉन्ट्रैक्ट इट्स कूल वर्क डन ऑन दिस, बिल्कुल। अब आप ये बताइए, क्या आपको क्यू की वैल्यू दी गई है इसके लिए? -65, बिल्कुल सही जा रहे हैं, जूल जे में। और क्या दिया हुआ है आपको? वर्डन आपको क्या दिया है? +20 जूल। कैसे आप बता रहे हैं वर्डन पॉजिटिव? क्योंकि वर्डन ऑन द सिस्टम हुआ है, ऑन द सिस्टम प्लस और बाय द सिस्टम माइनस। तो और आपसे पूछा है कि क्यू की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है और डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या होगा? क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू की वैल्यू -65 और डब्ल्यू की वैल्यू +20, तो कितना हो जाएगा? -45 जूल। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? यस और नो? तो सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है आपका, थर्ड करते जाइए। थर्ड में आपको बहुत इजी दिया गया है, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज दिया गया है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज डू यू नीड टू कंज्यूम? 62.5 ग्राम आपको मोलर वेट दे रखा है। ठीक है, आप कर सकते हैं। तो पहले तो अपन निकाले तो सही एंथैल्पी क्या है, इतना मोल दिया गया है। और आपको अगला क्वेश्चन यह है कि इसकी पहले बैलेंस रिएक्शन लिख लें, सिर्फ समझाने के लिए, बाकी कोई ज्यादा खास यूज आएगी नहीं। तो ये इसका सॉल्यूशन, ग्लूकोज आपके पास क्या है? C6H12O6 +7.5O2, और ये क्या बनाएगा आपके पास? 6CO2 +3H2O, ये रहा। और इसके बाद आपको डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है -12.5
2808 किलो जूल पर मोल, दिखाई दे रहा है आपको। और आपसे पूछा जा रहा है कितने ग्राम ग्लूकोज की जरूरत होगी, किसके लिए? टू क्लाइम ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स राइजिंग थ्रू 3 मीटर, ठीक है। और हमें क्या दिया गया है, जिसके लिए वेट है, वो क्लिम का वेट क्या है, हमें कुछ वेट भी तो चाहिए रहेगा। तो चलिए ठीक है, मान लीजिए जो क्लिम करना है फ्लाइट के लिए वो 3 मीटर है, तो हम कैसे बोलेंगे, एम जी एच, यही लगता है हमारे लिए एनर्जी, एम जी एच एनर्जी, किसी भी चीज को ऊपर ले जाने के लिए, उठाने के लिए जो एनर्जी लगता है वो एम जी एच लगता है, फिजिक्स आ गई। और हम यहां मानते हैं 1 मोल के लिए डेल्टा एच, तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा, डिवाइडेड बाय ग्लूकोज का मोलर मास, कितना होता है ग्लूकोज का मोलर मास, 180। तो ग्लूकोज का मोलर मास डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू ग्राम आपको चाहिए सपोज, तो डब्ल्यू आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, एम कितना मास है 62.5, जी की वैल्यू 9.8, एच की वैल्यू 60 कितना दे रखा है 3 मीटर क्लिम करने के लिए, तो सब चीजें एमकेएस में रख रहे हो, तो डेल्टा एच भी एमकेएस में रखना, एमकेएस में ही दिया हुआ है। कितना दे रखा है 2808 इंटू 10 पावर 3, किलो जूल में था आपने जूल में चेंज कर दिया, 180। और W की वैल्यू आपको निकालनी है, क्या आप निकाल सकते हैं W? तो ये रहा फर्स्ट पार्ट। और अगर क्लिम ए माउंटेन ऑफ, यहां पर रहता है अल्टीट्यूड 3000 मीटर, एज्यूमिंग 25% ऑफ एंथैल्पी कैन बी कन्वर्ट इन यूजफुल वर्क, तो हर जगह हमें 25 यूज करना है ये ए और बी दोनों पार्ट के लिए। तो मान लीजिए ये एनर्जी थी, इसका कितना रहेगा, सिर्फ 25% ही यूज हो रहा है, तो आपका ये आंसर आएगा W, यस और नो? और सेकेंड टाइम पे आपको कितना क्लेम करना है 3000, तो जो W आएगा ये तो ए पार्ट का आंसर हुआ, ए का सॉल्यूशन, और बी का आपके लिए रहेगा कितना रहेगा बी के लिए, क्योंकि आपको 3 टाइम एज्यूम करना है, तो आपके पास सिर्फ वही रहेगा, अंतर ये रहेगा हाइट आपके पास जो पहले 3 मीटर थी, अब वो कितना हो गया 3000, बाकी चीज वो की वही रहेगी। तो इसको करिए जल्दी से, लिख लिया आपने, नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, एक और क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। वाटर एक्सपांड्स व्हेन इट फ्रीजेस, बिल्कुल हम जानते हैं कि वाटर को अगर हम फ्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, बढ़ना है यानी वॉल्यूम इंक्रीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सपांशन। वाटर एक्सपांड्स व्हेन इट फ्रीजेस, डिटरमाइन अमाउंट ऑफ वर्क, आपको वर्क निकालना है इन जूल्स, जूल के अंदर निकालना है, डन व्हेन ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 1.0 लीटर ऑफ लिक्विड वाटर फ्रीजेस अंडर ए कॉन्स्टेंट प्रेशर 1 atm एंड फॉर्म्स 1.1 लीटर ऑफ आइस। तो प्रेशर कॉन्स्टेंट मानते हुए चलना है, तो वर्डन क्या होगा, जब कॉन्स्टेंट प्रेशर है और क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं, तो हमारे लिए वर्डन क्या होगा, माइनस पी डेल्टा वी, कॉन्स्टेंट प्रेशर है 1, प्रेशर डेल्टा वी कितना होगा आपके पास 1.1 लीटर माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ये 0.1 atm लीटर, ये यूनिट आएगी, जो कि आपको 0.1, आप चाहते हैं इसको जूल में कन्वर्ट करना जूल में कर दीजिए, आप चाहते हैं इसको कैलोरी में करना तो 101 जूल में कन्वर्ट होने के बाद 4.18 का डिवाइड करके कैलोरी में, तो मैंने तीनों यूनिट में दे दिया है आंसर, आप कर सकते हैं, समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करिए इसको,
कैसे सोचते हैं? लाइम इज मेड कॉमर्शियली बाय डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम स्टॉन, ठीक है. व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड सी एस सी ओ थ्री एब्जॉर्ब 177.9 किलो जूल ऑफ हीट एंड डिकम्पोज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगेंस्ट ए प्रेशर दिस एटीएम टू सीओ सॉलिड आपका जो बन रहा है सीओ टू का वॉल्यूम दे रखा है सब कुछ दिया गया है तो हमसे पूछा क्या जा रहा है हीट दे रखी है डिकम्पोज हमारे पास प्रेशर दिया हुआ है हमसे पूछा क्या जा रहा है एक बार और देखिए व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो हमारे पास जब सॉल्यूशन होगा इसका क्वेश्चन नंबर 5 का तो हम क्या कैसे सोचेंगे डेल्टा ई इक्वल टू क्या होगा क्यू प्लस डब्ल्यू क्या आप मेरे को बता सकते हैं क्यू की वैल्यू क्या होगी इस जगह आपके लिए क्यू की वैल्यू होगी एक मोल के लिए वन एब्जॉर्ब है तो प्लस 177.9 किलो जूल ठीक है और डब्ल्यू कैसे निकालेंगे पी डेल्टा वी पी डेल्टा वी आप बता सकते हैं डेल्टा वी कितना होगा उसके लिए आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी सी ए सी ओ थ्री कन्वर्ट सी ए ओ ये है कैल्शियम कार्बोनेट ये है लाइम प्लस सीओ टू जो भी इस तरह की रिएक्शन होती है आराम से ध्यान से देखिएगा तो यहां हमारे पास ये सॉलिड है तो पी वी इक्वल टू क्या होता है एनआरटी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट दिया हुआ है आपको दिया हुआ है ना तो आप दोनों तरफ का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो P डेल्टा V की वैल्यू क्या हो जाएगी आप ही बताइए R T कांस्टेंट है डेल्टा N लिख सकते हैं आप तो अगर आपके पास यहां माइनस लगाएंगे तो आप यहां पर भी लगा दीजिए तो हमारे लिए W की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस P डेल्टा V इक्वल टू माइनस R T डेल्टा N चेंज इन मोल है तो यहां पर ये सॉलिड है ये गैस है सॉरी ये सॉलिड है और ये गैस है तो इसका वन मोल लेते हुए डेल्टा एनजी को बताना है आपको तो इसका वन मोल है सॉलिड को हम कंसीडर नहीं करते डेल्टा एनजी में हमें वॉल्यूम दिया गया है एमएल में आप समझना और ये दिया है लीटर में तो लीटर के कंपेयर में तो ये बहुत कम होगा तो इसका मतलब नेग्लिजिबल है सॉलिड का लेना नहीं है यू इसलिए इसका देना और नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपका तो आप डायरेक्ट डेल्टा एनजी भी लिख सकते हैं और अब आपके लिए W की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस R R की वैल्यू क्या रखेंगे आप 8.314 बिल्कुल सही जा रहे हैं T की वैल्यू क्या दी गई है आपको टेम्परेचर देखिए 298 बिल्कुल सही पकड़ा है और टेम्परेचर आपके पास आ चुका है डेल्टा एनजी कितना आएगा वन मोल सो इजी वन का वन ही रहेगा क्यों क्योंकि हमें ये वन मोल दिया है ये वन मोल बनेगा ये वन मोल बनेगा तो आपके लिए डेल्टा एनजी का मतलब सिर्फ गैस को लेना है ये टू भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता सिर्फ इसको काट दो लिख के काट दो मोल सॉलिड और लिक्विड दोनों के होते हैं गैस के भी होते हैं लेकिन डेल्टा एनजी में हम सिर्फ और सिर्फ किसको कंसीडर कर रहे होते हैं गैस को तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट गैस के मोल वन माइनस जीरो वन अब आ गया समझ में आपको आपके पास कौन आ गया है आपके पास डब्ल्यू आ गया वो भी किस में जूल में आपके पास हर चीज जूल में इसको किलो जूल में चेंज करो पहले किलो जूल में चेंज करने के लिए क्या करोगे आप 1000 का डिवाइड करोगे करोगे ना तो ये भी किलो जूल में ये भी किलो जूल में अब आप आराम से निकाल सकते हो डेल्टा ई की वैल्यू तो डेल्टा ई की वैल्यू फाइनली क्या दिखेगी आपको 177.9 माइनस क्योंकि वर्डन हमारे लिए नेगेटिव है वैसे भी वॉल्यूम जब भी बढ़ता है इंक्रीज होता है वर्डन नेगेटिव है और बहुत कम दिखेगी 300 भी मान लेते हैं ना तो भी ये 8.314 मल्टीप्लाई बाय 298 डिवाइडेड बाय 1000 तो लिख लीजिए चलिए ठीक है कर सकते हैं आप तो कहीं कोई टफ लगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखे इसको क्वेश्चन नंबर 6
बहुत आसान है सॉल्यूशन हमारे लिए। शुरू करें। हमें दिया है वन मोल ऑफ सॉलिड जिंक इज प्लेस्ड इन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन ए सिलेंडर फिटेड विद ए पिस्टन। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई क्यू एंड डब्ल्यू फॉर द प्रोसेस। इफ द एरिया ऑफ पिस्टन इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट मूव्स आउट बाय 50 सेंटीमीटर अगेंस्ट प्रेशर ऑफ 1 एटीएम ड्यूरिंग द रिएक्शन द हीट गिवन टू सराउंडिंग इज 36.5 किलो जूल। ऐसा इसने बताया है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीजें काम की है वो दोबारा पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि आपको सबसे पहले वन मोल दिया गया है जिंक और आपने जब इसको वन मोल लिया है तो एच टू गैस कितने मोल बनेगी। यदि यह आपने वन मोल लिया है तो आपको एच टू गैस भी वन मोल ही दिखाई दे रही है बैलेंस इक्वेशन में। और आपका पिस्टन इतना दिया गया है, एरिया भी दिया हुआ है। ठीक है, हर चीज दे रखी है आपको। द हीट गिवन टू सराउंडिंग क्यू भी दे रखा है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं और हमें पता क्या करना है वो हम पहले ही पता लगा लें। तो हमें हीट गिवन टू सराउंडिंग इज दिस डेल्टा ई क्यू डब्ल्यू सब बताना है। तो सबसे पहले क्या बताना चाहोगे? क्यू, क्यू की वैल्यू वहां दे रखिए, ध्यान से देखिएगा। द हीट गिवन टू सराउंडिंग इज यानी गिवन टू सराउंडिंग यानी क्या लॉस हो रहा है -36.5 किलो जूल। पहला आंसर आ गया आपका। ठीक है, दूसरा हमारे को वर्डन नहीं मालूम। वर्डन हमें कैसे पता चलेगा? और अगर हमें वर्डन पता चल गया तो हमें सब पता चल गया। तो वर्डन होता है हमारे लिए पी डेल्टा वी, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे चल रहा है, माइनस पी डेल्टा वी। पी की वैल्यू बताएं आप कितना है? 180। बिल्कुल सही है। डेल्टा वी कितना होगा? एरिया आपको दिया गया है और 50 सेंटीमीटर मूव करता है ये, तो टोटल कितना हुआ? डेल्टा वी 500 मल्टीप्लाई बाय 50, इतना मूव कर रहा है। डेल्टा वी दे दिया डायरेक्ट उसने। ये ए मल्टी मतलब हमें डेल्टा वी कैसे मिलेगा? हमें मिलेगा एरिया मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, एरिया मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट, और डेल्टा एक्स की वैल्यू 50 500। तो ये किस में दिया गया है? सेंटीमीटर में, और ये एटीएम में। तो ये काम करो, इसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? सेंटीमीटर को, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में, और फिर आपने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 101.325। किस में चेंज हो गया? ये जूल में, डिवाइडेड बाय फिर 1000 कर दो। किस में चेंज हो गया? किलो जूल में। कैलकुलेशन आपके पास है, क्रॉस आप कर सकते हैं। 30, ये 30 क्रॉस हो गया। 25, इसको भी 100 ही मान लीजिए, तो आपके पास 20 यानी ये लमसम आपके पास आएगा 2.5 किलो जूल अप्रॉक्सीमेट। सही है? तो बोलो यस और नो। कैलकुलेशन में कर रहा हूं, मत दिमाग लगाओ। तो आपके पास W आ गया, Q आ गया, तो डेल्टा E की वैल्यू क्या आएगी? Q प्लस W। Q की वैल्यू कितनी है आपके पास? -36.5। W की वैल्यू कितनी है? -2.5। तो बताइए डेल्टा E की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? अब चेक कर लीजिए, 39 -39। हाँ या ना? करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th को देखते हैं। व्हेन ए सिस्टम फॉर्म स्टेट ए टू बी, ठीक है, ए से बी जा रहा है अलोंग द पाथ ए सी बी, ए सी बी से भी जा सकता है, ए बी से भी जा सकता है, ए डी बी से भी जा सकता है। भाई एक ही जगह जाने के तीन अलग अलग रास्ते हैं, इस तरह से ए सी बी, ए डी बी और एक डायरेक्ट घूमता हुआ पहुंच गया। इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन के अंदर अलग अलग चीजें अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं। आप चाहें तो पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ सकते हैं पूरा। ठीक है, मैं एक बार जल्दी से पढ़ लेता हूं।
हमें जो दिया जा रहा है वो लिखते जाते हैं. 80 जूल ऑफ हीट फ्लो इनटू द सिस्टम एंड सिस्टम डज 30 जूल ऑफ वर्क. जब ए से बी में जा रहा है, ए सी बी में, तो यही क्वेश्चन इस मिलता जुलता हमारे 2016 में आया आईआईटी में, अब भी वैसे ही आ रहा है. आप कर सकते हैं सॉल्यूशन. इस प्रोसेस के अंदर हमें क्या दिया गया है, ध्यान से देखते जाएं. सबसे पहले दिया गया है वर्क W, 30 जूल. अब बताइए इसके साथ प्लस लगाया जाए या माइनस. फ्लो इनटू द सिस्टम एंड सिस्टम डज 30 जूल वर्क, माइनस. डज आते ही माइनस. नेक्स्ट, हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, यानी क्यू आएगा. अब क्यू 80 आ रहा है ये तो हमें पता चल गया, प्लस या माइनस जोर से बोले. क्योंकि 80 जूल ऑफ हीट फ्लो इनटू द सिस्टम, बाय द सिस्टम है या इनटू द सिस्टम है, यानी इनटू द आ रहा है तो क्या आएगा, प्लस. तो बहुत अच्छा है. डेल्टा ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस 80 माइनस 30, 50. हमने डेल्टा ई की वैल्यू बता दी. डेल्टा ई को डेल्टा यू भी बोलते हैं. ये हमारा काम हो गया. व्हेन अ सिस्टम इज रिटर्न फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए से आ रहा है, गया तो ऐसे ही था, आया ऐसे. अब हमारा क्या हो गया, बी और डायरेक्ट ए, बी टू ए बिना किसी के रास्ते में. तो डेल्टा ई की वैल्यू या डेल्टा यू की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 50. जाते वक्त प्लस 50, तो आते वक्त माइनस 50. इंटरनल एनर्जी ई एक स्टेट फंक्शन है, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा. यहां से वहां गया 50, वहां से आएगा 50, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ इसलिए साइन चेंज होगा. अगला क्या पूछा जा रहा है, द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 20 जूल. तो इस जगह W कितना दे रखा है, द वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी प्लस 20 दिया हुआ है. तो आप बता सकते हैं इस जगह हीट की वैल्यू क्या होगी. आप अच्छे से जानते हैं डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू. डेल्टा यू की वैल्यू माइनस 50. तो अभी हमारे पास ध्यान से सुनिए, क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस जगह वर्डन, हमें क्यू तो निकालना है. डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, प्लस 20. तो बताएं क्यू की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, माइनस 70 क्यू की वैल्यू. तो फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है इस पूरे क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं. फर्स्ट पार्ट है हाउ मच हीट फ्लो इनटू द सिस्टम अलोंग पाथ एडीबी, अलग अलग पूछा है. और व्हेन सिस्टम इज रिज्यूम्ड दिस, तो मैंने डायरेक्ट ही कौन सा करना शुरू कर दिया, बी. बी का आंसर माइनस 70 दिया है. अब हम ए का आंसर निकालेंगे. हाउ मच हीट फ्लो इनटू द सिस्टम अलोंग द पाथ ए डी बी, हम ए डी बी से करने की कोशिश करेंगे, यानी ए डी बी से जा रहे हैं वापस. और उसके लिए हमारे को एक चीज मालूम है, और वो है डेल्टा यू कितना दे रखा है, माइन. डेल्टा यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्लस 50. ये हमें दिया गया है, वो हमने पहले ही निकाल लिया. हमें इसमें क्या पूछा जा रहा है, हमें ये पूछा जा रहा है एडीबी इफ वर्डन इज 20 जूल, हमें हीट फ्लो करनी है. हाउ मच हीट फ्लो इन टू द सिस्टम, यानी क्यू हमसे पूछा जा रहा है. डब्ल्यू की वैल्यू क्या दी गई है, वर्डन इज 10 जूल. तो ये इफ द वर्क डन इज 10 जूल, तो आप मुझे ये बताएं कि वर्डन बाय सिस्टम है या इन सिस्टम है. तो पहले तो बताइए, यहां वॉल्यूम बड़ा है तो इसका मतलब माइनस ही हो सकता है, प्लस तो हो नहीं सकता. तो हीट की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, और डेल्टा यू की वैल्यू 50 माइनस माइनस 10 की वैल्यू हो जाएगी, और ये आ जाएगा आपके पास 60. तो आपके लिए क्यू का आंसर आ गया, प्लस साइन आ रहा है या माइनस आ रहा है, प्लस, यानी कि हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम इज प्लस 60. छोटी सी गलती आपका आंसर गलत ला देगी. नेक्स्ट, हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है, डज द सिस्टम एब्जॉर्ब और लिबरेट हीट एंड हाउ मच. अच्छा ये तो वहीं पर है, वो निकाल दिया माइनस 70. सी वाला पार्ट हमें यहां दे रखा है यूडी माइनस यू है, कितना दे रखा है 40. फाइंड द हीट एब्जॉर्ब द प्रोसेस
एडी एंड बीडी, वेरी गुड। तो आपको यहां पर यूडी यूए दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को पकड़ो, यू डेल्टा यू कितना दे रखा है किस प्रोसेस के अंदर, डीए के अंदर, एडी नहीं डीए, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो मेरे ख्याल से फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो हमारे लिए डी फाइनल होगा, डेल्टा यू यूडी माइनस यूए दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपका प्रोसेस क्या है, एडी, और ये वैल्यू दे रखी है 40, तो फाइनल माइनस इनिशियल हुआ तो एडी प्रोसेस है। और एडी प्रोसेस के लिए हमें कुछ चीजें दी गई है, देखिए जब हम ए डी बी के थ्रू गए थे तो वर्डन इसमें तो हुआ ही नहीं था, तो यानी कि यहां जो वर्डन होगा वो वही होगा जो ए डी बी के लिए था, और ए डी बी के लिए वर्डन था माइनस माइनस 10, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू पूछा है क्या, उसने पूछा है हीट एब्जॉर्ब, वही पूछा है, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, तो 40 माइनस माइनस 10 50, ये तो हमारे पास एडी हो गया। और ऐसे ही आप डीबी भी निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डीबी के लिए तो वर्डन कितना हो जाएगा, जीरो, वर्डन जीरो होगा। हीट कैसे निकालेंगे, हीट भी निकाल देते हैं, तो एक मिनट, हीट हमारे पास कितनी है यहां पर 50, और टोटल हमारे पास 60 थी, तो इसका मतलब यहां हमारे लिए कितनी हो जाएगी 10, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 10, यहां क्यू की वैल्यू 10, यहां क्यू की वैल्यू हमने निकाल लिया कितना था 50 और टोटल 60, सो इजी, आ गया समझ में, लिखें इसको। देखिए कुछ और प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं जिसमें डेल्टा एच और डेल्टा यू से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन 8 मेरा पास आ रहा है, द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शंस हमें देखने को मिल रहा है ऑफ 50 मिलीलीटर ऑफ इथाइलिन विद 50 एम एल ऑफ एच टू एट 1.5 एटीएम प्रेशर इज दैट व्हाट इज डेल्टा यू। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन चाहिए, बैलेंस रिएक्शंस आप बनाएं, और दूसरा चाहिए आपको फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको बाद में चाहिए, पहले रिएक्शन क्या होगी देखते हैं। एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन इथाइलिन विद एच टू, ठीक है, इथाइलिन आपके पास ये आ गया, ये इथाइलिन हो गया, सही है, और हमारे पास H2 गैस पर है, और हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन रहा है, हमें दोनों 50 ml 50 ml दिए हुए हैं, हाँ या ना, तो बताइए ये सब गैसेस हैं या नहीं है, ये सब गैसेस हैं, तो जब ये जीरो जीरो हो जाएंगे तब ये कितना होगा, ये भी 50 ml बनेगा, तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर हम जानते डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, एक तो ये फॉर्मूला होता है और एक ये होता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। आप किस फॉर्मूले को यूज करना चाहेंगे, नीचे वाले को, क्योंकि डायरेक्ट हो जाएगा, आपका काम बच जाएगा, आपका समय बच जाएगा, तो माइनस 0.31 किलो जूल डेल्टा ई निकालना है, पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, क्या दिया गया है 1.5 यानी 3/2, डेल्टा वी कितना दिया गया है 50 ml, ml को आपने लीटर में चेंज कर दिया, तब भी एटीएम लीटर में आएगा, एटीएम लीटर को जूल में चेंज करो 101.325 और उसको किलो जूल में चेंज कर लो, समझ में आ रही है बात। तो इस हिसाब से डेल्टा ई की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, डेल्टा ई माइनस 0.31, ये तो किलो जूल में, ये वहां जाएगा और माइनस बढ़ाएगा। अब आप मेरे को मदद करना शुरू करो, सबसे पहले मान लीजिए ये 100 है, 100 है, ये क्रॉस हो गया, 10 बचा, ये क्रॉस हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो 5 थी 15 और ये डिवाइडेड बाय, तो 7.5 तो हमारे पास ये हो गया अपॉन 1000, वाह सही है। अगर ये इतनी छोटी वैल्यू है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 0.31 माइनस 0.0075, तो ये मेरे पास आएगा माइनस 0.3175,
किलो जूल पर मोल। करिए इसको, समझ में आ गया? और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, लिख लीजिए इसको।